मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही घोषणाओं की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। घोषणा के साथ साथ तेजी से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा लगातार नवीन योजना तैयार की जा रही है, साथ ही अन्य पुरानी योजनाओं को लेकर सीएम शिवराज लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए जा रहे हैं। समय सीमा में कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच 8 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में घोषणाओं की बौछार शुरू हो गई है। 1 महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकास यात्रा के दौरान 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की गई है। वहीं कई नवीन योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन 8 महीनों में शिवराज द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आम जनता सहित महिला स्व सहायता समूह सहित छात्रों को साधने की तैयारी की गई है। 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही पुरानी योजनाओं को भी पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर दिए गए हैं। सीएम हर दिन कोई नई योजना की शुरुआत कर रहे हैं। लाडली बेटी के बाद प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे, ऑपरेशन कायाकल्प और तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। इससे पहले कर्मचारियों को साधने के लिए नियमितीकरण और नए वेतनमान की घोषणा कर दी गई है, जबकि अन्य कर्मचारियों को पेंशन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा चुका है।